हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। आइए चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं FIR फिल्टर। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था IIR फिल्टर, उसमें दो पार्ट है, बटरवर्थ फिल्टर एंड चेबीशेव फिल्टर। वो दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं FIR फिल्टर। फ्रेंड्स अभी मैं थ्योरी किसी में कवर नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं 10-10 मार्क्स के, इसलिए मैं पहले न्यूमेरिकल कवर कर रहा हूँ। बाद में थ्योरी इतनी पूछते नहीं, जो बेसिक थ्योरी पूछेंगे मैं बाद में कवर करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अभी मैं सबसे पहले बेसिक्स जो इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ही मैं कवर कर जा रहा हूँ। तो FIR फिल्टर में दो मेथड है, एक तो आपकी विंडो टेक्निक मेथड यहाँ पे यूज होती है और दूसरी यहाँ पे मेथड यूज होती है सैम्पलिंग मेथड। नॉर्मली मैक्सिमम जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं विंडो मेथड पूछे जाते हैं, सैम्पलिंग रेयरली कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको दोनों ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, तो हम विंडो मेथड और FIR फिल्टर का आपको फुल फॉर्म बताते हैं, फाइनाइट इंपल्स रेस्पॉन्स फिल्टर। वैसे ये फिल्टर IIR फिल्टर से अच्छा होता है, ठीक है, और ये ऑलवेज स्टेबल फिल्टर होता है, ठीक है ना। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं कि अच्छा फिल्टर माना जाता है स्टेबिलिटी की वजह से। और ये नॉन रिकर्सिव टाइप फिल्टर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपका जो IIR फिल्टर वो रिकर्सिव टाइप फिल्टर है, ठीक है। और ये लीनियर फेज इसका जो रेस्पॉन्स रहता है वो लीनियर फेज रहता है, ठीक है ना। तो हम इसको लीनियर फेज के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द FIR फिल्टर फ्रेंड्स। अब आपको यहां पे बताना जा रहा हूं कि अगर फिल्टर को डिजाइन करना है यूजिंग द विंडो टेक्निक, तो यहां पे मैं आपको डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है, मेथड मतलब टेक्निक से विंडो डिजाइन करने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे जो सबसे पहले स्टेप वन आपको यूज करना है, उसमें आपको चेक करना है कि डिजायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गिवन है या नहीं। नॉर्मली क्वेश्चन कभी कभी गिवन रहते हैं, इफ नॉट गिवन तो वहां पे आपको क्या होगा, एन की वैल्यू गिवन रहेगी, वो एन की वैल्यू यहां पे पुट करना, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पे गिवन रहेगी, तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे पुट करना, आपको क्या मिल जाएगा, डिजायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये गिवन नहीं रहता, बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं गिवन है तो आप ये फॉर्मूला ऐसी टेक्निक यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट अगर गिवन है तो उसको डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना, उसको आपको ऐसा कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर वन। नाउ स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या करना है, डिजायर इंपल्स रेस्पॉन्स ऑब्लिक फिल्टर कॉफिशियंट ऑफ यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, फिल्टर कॉफिशियंट बोला, ये फिल्टर कॉफिशियंट मतलब वो अपने को जो एक्चुअल फिल्टर कॉफिशियंट निकालना वो नहीं है, ये यूजिंग FI इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वो निकालना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करके SDN यूज करके, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, SDN की वैल्यू निकालेंगे। N की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, जो आपको कैपिटल N रहेगा वो N की वैल्यू लेंथ गिवन रहेगी, उस N की वैल्यू को कंसिडर करके, दैट मीन्स एन माइनस वन कंसिडर करके हम यहाँ पे इसकी एन की वैल्यू पुट करेंगे, जीरो से लेकर अप टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेवन है तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो टू लेकर सिक्स तक, क्लियर फ्रेंड्स, अगर एन की वैल्यू सेवन गिवन है। तो इसे हमको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप थर्ड आती है फ्रेंड्स, स्टेप थर्ड इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप इस FIR फिल्टर के लिए, जो हमको निकालना होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है फिल्टर कॉफिशिएंट ऑफ FIR फिल्टर, वही पूछता है, ठीक है। अब वो फिल्टर कॉफिशिएंट हमको जो निकालना होता है FIR फिल्टर वो यही होता है, उसमें हमको क्या करना होता है, विंडो टेक्निक यूज करनी पड़ती है, यहाँ पे हमको विंडो फंक्शन यूज करना है। कभी कभी वो इंपल्स रेस्पॉन्स आपको फिल्टर कॉफिशिएंट की जगह आपको बोलता है इंपल्स रेस्पॉन्स निकालो FIR फिल्टर, ठीक है, या फिर यूजिंग विंडो, कुछ भी पूछे आपको ये पॉइंट्स पकड़ लेना, मेन यहाँ पे कॉफिशिएंट पूछे तो आपको ये स्टेप करना मस्ट है, समझना, ठीक है ना, ठीक है। अब विंडो टेक्निक, अब मैं आपको जो विंडो की बात कर रहा हूं, यहाँ पे डिफरेंट विंडो तो होंगे ना डेफिनेटली फ्रेंड्स, तो वो विंडो कौन कौन से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिंग विंडो आता है वो आता है रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है ना, इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका फंक्शन से बहुत ईजी है, इसकी हरेक की वैल्यू हरेक एन जीरो से लेकर एम माइनस वन तक हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी। तो ये बहुत ईजी है, आपको एम की यहाँ पे मतलब इसका जो मैग्नेटिक रेस्पॉन्स है वो वन ही रहेगा, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर एम माइनस वन तक। सेकंड इसमें जो विंडो आता है हामिंग विंडो, हामिंग विंडो के लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना फ्रेंड्स, वहां पे आपको एम या एन, जो मैं आपको वहां पे एन एन बोला था ना कैपिटल एन, ये वो एन और एम दोनों यहाँ पे सेम है, अगर आप किसी बुक में एन दिया है किसी बुक्स में एम दिया है, ठीक है, जो भी दिया आपको समझ लेना है। अगर एन दिया तो यहाँ पे एन माइनस वन जाएगा, एन माइनस वन जाएगा, तो वो लिमिट भी आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी पुट करनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, विंडो फंक्शन की आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर m की वैल्यू 7 है तो ये n की वैल्यू आपको कहां तक पुट करनी है, 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर इस फॉर्मूला आपको 6 तक वैल्यू पुट करनी है और वो आंसर निकालना है, ठीक है, तो आपको निकाल दोगे, मैं बताऊंगा प्रॉब्लम बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। फिर आपका आता है सेकंड हनिंग विंडो, हनिंग विंडो, ठीक है ना, हनिंग विंडो में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लो, ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ परफेक्ट फॉर्मूले है, इसी फॉर्मूले को सोल्व करके आपको याद सोल्व प्रॉब्लम सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ब्लैक मैन विंडो,
ठीक है ना, ब्लैक मैन विंडो ये, ठीक है। तो इसके भी क्या फॉर्मूला ये है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा लेंदी पड़ता है, यहाँ पर हर एक में कॉस तक आता है, लेकिन इसमें प्लस करके कॉस और वैल्यू आ जाती है, तो घबराना नहीं है फॉर्मूला लेना। फ्रेंड्स एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा पूछने वाला जो विंडो वो रेक्टेंगुलर विंडो है, उसके बाद जो विंडो आता है हमिंग विंडो, उसके बाद आता है हैनिंग विंडो, और उसके बाद ब्लैक मैन विंडो। अब मैं आपको बोलूंगा ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखा जिसकी प्रायोरिटी बता, लेकिन आपको चारों फॉर्मूले याद करने ही है, क्योंकि इसके भीतर आपका ये FIR का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आप इसको याद कर लीजिए, फॉर्मूले को रट लीजिए, फॉर्मूला ही रटना है फ्रेंड्स, DTSP और DSP मतलब फॉर्मूला, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। उसके बाद अगला जो विंडो है बार्टलेट विंडो, ये बहुत कम पूछते हैं, ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में लिखा इसीलिए इसको, और इसका फंक्शन ही होता है। एक और विंडो होता है केजर विंडो, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसका क्योंकि उसका पूरा स्टेप भी डिफरेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमको जब भी जैसे हमको विंडो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम देखो फर्स्ट हमने सेकंड स्टेप हमने SDN निकाला, फिर हमने ऊपर विंडो फंक्शन यूज करके WN की वैल्यू निकाल देंगे। उन दोनों वैल्यू को क्या कर देना, जितनी भी हम वैल्यू निकालेंगे उनको मल्टीप्लाई करना, तो हमको फाइनली फिल्टर कोएफिशिएंट मतलब आपको HOPN निकालना, ये मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, HOPN मिल गया मतलब समझ लो आपका फिल्टर कोएफिशिएंट मिल गया FIR फिल्टर का, क्लियर। उसके बाद अगर आपको स्टेप 4 पूछता है, कभी कभी वो कोएफिशिएंट तक ही पूछता है अगर, लेकिन अगर कोएफिशिएंट आगे भी पूछा तो क्या पूछेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लो पास फिल्टर वो कोई भी फिल्टर ले सकता है, बैंड पास हाई पास कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है ना, उसका आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना है स्टेप 4 में, H(e^j)ωa इज इक्वल टू n=0 n-1। यहाँ पे अगेन ध्यान देना n और m दोनों सेम है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। और ये H(n)e^-ωa इस फॉर्मूले को यूज करके अपनों क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको ये सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। तो ये जो सभी स्टेप थे किसके थे, FIR फिल्टर के डिजाइनिंग स्टेप थे, और ये स्टेप मस्ट है, इसी स्टेप को यूज करके अगर विंडो टेक्निक वाले प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे और एग्जाम में आपको 10 में से 10 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेरे सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर सच में आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके फ्रेंड्स, और इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को नेट नहीं है मतलब एकदम जरूरत है कि हाँ यार उनको पढ़ना है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपकी खुद का भला अगर हो तो दूसरों का भी भला होगा, तो आपका ही भला डेफिनेटली होने वाला फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्री ऑफ एजुकेशन में आपको सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखा रहा हूँ, एटलीस्ट इतना तो करो कि आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।